बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 40 हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी और 20 अफराद लापता हैं। पास पहाड़ी इलाकों में बर्फ में फंसे अफराद को निकाल लिया गया, जबकि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में PDMA, FC और लीडीज शरीक हुए। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। आजाद कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने से 20 अफराद जान बहक, 23 जख्मी हो चुके हैं। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तहम तोड़े गिरने से 2 इमारतें और 3 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद रोड कोहाला के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गयी, जिसकी वजह से मुश्किल का सामना है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस 2 रोज में 17 अफराद जान बहक और 13 जख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। उधर राजनपुर, झंग, खानेवाल, सक्खर में छतें गिरने से 7 अफराद दम तोड़ गए।